मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक कुत्ते का डीएनए टेस्ट किया गया है। लैब्राडोर कुत्ते के असली मालिक की पहचान के लिए पुलिस ने ये निर्णय लिया है। दरअसल एक कुत्ते की मालिकाना हक के लिए दो शख्स आपस में लड़ रहे थे, जिसके बाद पुलिस को ये निर्णय लेना पड़ा। 3 साल के लैब्राडोर कुत्ते को शादाब खाना अपना कुकु बता रहे हैं, तो वहीं कृतिक शिवहरे का दावा है कि यह उनका कुत्ता टाइगर है। शादाब का कहना है कि कोको लगभग 3 महीने पहले गायब हो गया था, इसकी FIR भी उन्होंने दर्ज कराई है। शादाब का कहना है कि 18 नवंबर को उन्हें सूचना मिली थी कि कोको मालोखेड़ी में ही है, वह कृतिक शिवहरे के घर पर है। इसकी सूचना मिलते ही वह उसके घर पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद शादाब कुछ तस्वीर और दस्तावेज के साथ थाने पहुंचे, तो दूसरी तरफ कृतिक भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। जब पुलिस दोनों तरफ के दावों से संतुष्ट नहीं हो पाई तो 3 साल के कुत्ते के डीएनए टेस्ट के लिए राजी हुई है। डीएनए से पता चलेगा कि आखिर कुत्ते का असली मालिक कौन है। न्यूज डेस्क।